नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कार भारती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत। हम जो इस समय पढ़ रहे हैं वो है ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था, जिसके अंतर्गत हमने स्थायी बंदोबस्त जो कि लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा स्टार्ट की गई थी, उसके पश्चात रैयतवाड़ी व्यवस्था जो कि मुंडरो द्वारा स्टार्ट की गई थी, उसके पश्चात जो तीसरी भू राजस्व व्यवस्था वो है महालवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था। देखो, महालवाड़ी का मतलब होता है महल, इसका मतलब होता है गांव। एक गांव को क्या बोले, महल बोला जाता था, पूरे गांव को महल कहा जाता था। तो पूरे गांव के गांव पर यह व्यवस्था लागू की जाती थी। कैसे लागू की जाती थी कि इस व्यवस्था के अंतर्गत गांव का जो मुखिया होता था, गांव का सरपंच, गांव का जिसे लंबरदार कह दो या गांव का प्रधान कह दो, उसके साथ क्या है कि गवर्नमेंट ब्रिटिश सरकार एक समझौता करती थी रेवेन्यू इकट्ठा करने का। तो ब्रिटिश सरकार क्या करती, गांव के के मुखिया के साथ समझौता करती थी इस व्यवस्था के तहत। अब ये समझौता क्या था कि पूरे गांव का जो रेवेन्यू है, जितना भी लगान है, वो ब्रिटिश सरकार क्या करती, निर्धारित करती थी कि मुझे इस गांव से इतना रेवेन्यू लेना है। तो उसका समझौता जो है वो किसके साथ किया जाता था, जो गांव का मुखिया है, जो वृद्ध व्यक्ति है, जो वहां का लंबरदार है, उसके साथ वो समझौता किया जाता था। और वहां से जो रेवेन्यू इकट्ठा करने का काम है उस गांव के मुखिया के जिम्मे छोड़ दिया जाता था। इसमें क्या होता था कि जो कर का भुगतान है, लगान देने का जो कार्य है, वो सामूहिक होता था, यानी सबको मिलकर एक निश्चित मात्रा में एक लगान इकट्ठा करना होता था, और उस लगान को जो मुखिया है वो निश्चित तारीख के तहत ब्रिटिश सरकार के पास जमा करवाती थी। इसमें क्या होता था कि पूरे गांव का जो रेवेन्यू है, जितना हिस्सा जिस व्यक्ति के पास आ रहा है, उस हिस्से के अकॉर्डिंग वो लंबरदार के पास क्या करते थे, अपना रेवेन्यू इकट्ठा करवा देते थे। और वो रेवेन्यू फिर लंबरदार किसको जमा कराता था, ब्रिटिश सरकार को, यानी पूरी जिम्मेदारी किसके पास आ गई, लंबरदार के पास, यानी गांव के मुखिया के पास। यही थी महलवाड़ी व्यवस्था। इस व्यवस्था के जो जनक थे वो होल्ट मैकेंजी थे, इन एक अग्रज विद्वान होल्ट मैकेंजी। इन्होंने अपने 1819 के प्रतिवेदनों में इस व्यवस्था का सूत्रपात किया था, लेकिन 1822 में उसे कानूनी रूप से लागू किया। किसके द्वारा, कॉल होल्ट मैकेंजी के द्वारा। जिस क्षेत्र में यह व्यवस्था लागू की गई थी वो थी मध्य प्रांत, उत्तर प्रदेश, पंजाब वाला एरिया। जो टोटल मिलाकर जो भूमि पर, जिस भूमि पर लागू किया गया वो था ब्रिटिश भारत की 30% क्षेत्र पर। आपने पहले पढ़ा कि जो स्थायी बंदोबस्त है वो 19% पर, और रेतवाड़ी 50% पर, और ये 30% पर, तकरीबन 99% क्या हो गया, क्षेत्र कवर हो गया, और 30% ये है। टोटल मिलाकर 100 के आसपास क्या हो गया, पूरा क्षेत्र इस व्यवस्था के तहत कवर हो गया था। तो ये आखिरी व्यवस्था थी जिसके तहत ये भू राजस्व व्यवस्था निर्धारित की गई थी। ठीक है, तो वो ब्रिटिश भारत की 30% भूभूमि इसके अंतर्गत आती थी, ये आपको याद रखना है, महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत। अब पढ़ते हैं हम इसकी विशेषताएं। ये समझ में आ रही है क्या था, मतलब कि एक गांव जिसे महल कहा जाता था उसके साथ समझौता होता था। जैसे ये गांव है, इस गांव के ये मुखिया है, ये क्या करता था, पूरे गांव से रेवेन्यू इकट्ठा करता था और इसको सरकार को जमा करवाता था। इसकी जिम्मेदारी थी इस गांव से लगान इकट्ठा करने की, और लगान की जो दर है वो सरकार तय करती थी, कितना लगान इकट्ठा करना है, कितनी तारीख तक पहुंचाना है, ये सारा काम मुखिया के साथ समझौता किया जाता था। और प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती थी कि अपना अपना हिस्सा मुखिया के पास जमा करवाए। तो ये थी महलवाड़ी व्यवस्था, यानी कि एक बात याद रखना, इस व्यवस्था के तहत प्रत्येक किसान से कोई समझौता नहीं किया जाता था कि उसके पास कितनी भूमि है, उससे कोई लेना देना नहीं था सरकार को, उसको लेना देना था मुखिया को, मुखिया तय करता था कि किसको कितना देना है। तो यानी कि जो रेवेन्यू है, जो लगान है, वो किसी, वो जो है वो प्रत्येक
किसान पर ना लगाकर, यानी किसी किसान, एक एक किसान पर ना लगाकर पूरे गांव पर लगाया जाता कि इस गांव का रेवेन्यू है, मान लो इस गांव में टोटल मिलाकर 500 खेत हैं, 500 खेत हैं। अब तो गवर्नमेंट, इस सरकार ने क्या किया कि 50% उस पर लगा दिया टैक्स, तो यानी कि 250 खेतों का रेवेन्यू जो है वो गवर्नमेंट को मिलेगा, कहने का मतलब ये है। और 250 खेतों का जो अनाज है वो उसके इकट्ठा करने की जिम्मेदारी मुखिया के पास। अब कौन कितना देगा कितना नहीं देगा, इस सब की जो जिम्मेदारी थी वो मुखिया की होती थी, ना कि सरकार की। सरकार को उससे कोई लेना देना नहीं था, सरकार सीधा मुखिया को पकड़ती थी और मुखिया जो है वो गांव के प्रत्येक किसान को पकड़ता। तो ये थी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था। अब देखते हैं हम इसकी प्रमुख विशेषता। देखो इस व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं, देखो देखो इस व्यवस्था में लगान का निर्धारण, इस व्यवस्था में लगान का निर्धारण महल या संपूर्ण गांव के उत्पादन के आधार पर किया जाता है। लगान का निर्धारण महल या संपूर्ण गांव के उत्पादन पर किया जाता है, संपूर्ण गांव के उत्पादन के आधार पर किया जाता था। ये गांव से कितना उत्पादन हो रहा है उसके आधार पर किया जाता था, ना कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल पीजेंट के साथ। हमें और देखो, जो लगान था, महाल या गांव के समग्र उत्पादन के आकलन पर निर्धारित किया जाता है। संपूर्ण गांव के उत्पादन के आधार पर निर्धारित किया जाता था, ये तो हो ही गया। आगे देखो, लगान महल या गांव के समग्र उत्पादन के आकलन पर, के आधार पर निर्धारित किया जाता। समग्र उत्पादन यानी कि टोटल जितना उत्पादन हो रहा है, कितना बाजरा हो रहा है, कितना गेहूं हो रहा है, वो सब इसमें देखा जाता था कि एक साल में कितना उत्पादन हो रहा है, कितना टोटल मिलाकर अनाज हो रहा है, वो समग्र उत्पादन कहलाता। ठीक है, तो ये कहलाता समग्र उत्पादन। और देखो इसी में, इसमें है कि यह व्यवस्था यह व्यवस्था
यह व्यवस्था समस्त ग्राम समुदाय के साथ संयुक्त रूप से ग्राम समुदाय के साथ संयुक्त रूप से तथा अलग-अलग या तो संयुक्त रूप से या अलग-अलग निर्धारित की गई थी। कर समुचे ग्राम पर लगाया जाता था। और देखो गांव के ग्राम समुदायों के किसानों के बीच कर संग्रह लक्ष्य को निर्धारित किया गया था। मतलब ये है कि एक गांव से कितना रेवेन्यू लेना है, इस लक्ष्य को किसानों के बीच क्या किया गया था, तय किया गया था। कौन मतलब ग्राम समुदाय का, इसके तहत देखो प्रत्येक किसान ने भू राजस्व में अपना योगदान दिया। और देखो स्वामित्व का अधिकार किसानों को दिया गया था, वो तो इसे ऋण क्या सकते थे, इस पर ऋण ले सकते थे, इसको बेच सकते थे, गिरवी रख सकते थे, इसको अपनी भूमि को, कौन किसान लोग, स्वामित्व को अधिकार किसानों के पास। और देखो यहाँ पे एक चीज और नोट करनी है आपको, जो ग्राम समुदाय का जो मतलब है, ग्राम समुदाय का कर रहे है गांव के वरिष्ठ लोगों से था, जो कि उच्च जाति के होते थे, जो कि उच्च जाति के होते थे। ग्राम समुदाय का मतलब बड़े लोग, गांव के वरिष्ठ लोग, बड़े बुजुर्ग वरिष्ठ व्यक्ति।
गांव का ही एक व्यक्ति जिसे प्राय लंबरदार कहा जाता था, पूरे गांव का लगान वसूलता था। और सरकार को अदा करता ग्राम प्रमुख किसान के लगान किसान के लगान न चुकाने पर उसे भूमि से बेदखल भी कर सकता था, भूमि से बेदखल भी कर सकता था, भूमि से हटा सकता था, हटा सकता था उसकी भूमि को। और लगान को संशोधित या पुनर्निर्धारित करने का अधिकार जो था वो सरकार के पास था। ये बात याद। तो ये प्रमुख विशेषताएं थी इस महलवाड़ी व्यवस्था की जो कि सामने कि इसमें ये या सारी इंपोर्टेंट है कि लगान का निर्धारण संपूर्ण गांव से किया जाता था, लगान जो समग्र उत्पादन के आधार पर किया जाता था, गांव के समुदाय के किसानों के बीच संग्रह का लक्ष्य निर्धारित किया गया था किस गांव की गांव से कितना रेवेन्यू इकट्ठा करना है। और अक्सर जो रेवेन्यू की जो दर है वो निश्चित नहीं थी क्योंकि 50 से लेकर 75% तक लगान वसूला जाता था। और इसका स्वामित्व का अधिकार किसानों को इसमें अपनी जमीन को बेचने का, गिरवी रखने का, ये जो सारा जो अधिकार है ये इसके तहत इसको इसमें दिया गया किसानों को। जबकि हमने देखा कि स्थायी बंदोबस्त में किसानों को उसकी जमीन पर अधिकार नहीं था और जब तक वो लगान दे रहा है तब तक उसका अधिकार था। लेकिन इस व्यवस्था के तहत ये किया गया कि किसानों को इसमें भूमि पर अधिकार दिया गया, स्वामित्व का अधिकार दिया गया। जब तक वह ऋण दे रहा लगान दे रहा है तब तक वो उसका मालिक है, उस भूमि को ऋण उस पर ऋण ले सकता था, बेच सकता था और गिरवी भी रख सकता था। ये अधिकार उसको प्राप्त थे। ग्राम का जो लंबरदार होता था वो क्या करता था, लगान इकट्ठा करता था और सरकार को देता था। सरकार चाहे तो लगान को संशोधित कर सकती थी, बढ़ा सकती थी, घटा सकती थी। ये सब अधिकार सरकार को थे ना कि गांव वालों को। और ये और तो अगर गांव के किसी व्यक्ति ने लगान कम दिया है तो उसकी जिम्मेदारी पूरे गांव की होती थी, गांव के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती थी कि वो उस व्यक्ति का लगान भरे। अगर किसी व्यक्ति ने लगान कम दिया है तो अगर लगान कम दिया तो लगान कम होगा तो प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती थी, उस गांव वालों की, गांव के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती थी कि उस लगान की भरपाई की जाए। तो ये था इसकी प्रमुख जो विशेषता है जो कि आपको नोट करना। अब आगे देखो इसके परिणाम या प्रभाव।
प्रभावों में देखो कि क्या हुआ कि लंबरदार को इतने अधिकार दे दिए गए कि वो किसानों को भी जमीन से बेदखल कर सकता था। तो एक प्रकार से जमींदारी व्यवस्था का एक रूपांतरित स्वरूप था। इसमें जमींदारी व्यवस्था में क्या था कि जमींदार को असीमित अधिकार थे, तो इसमें जो गांव का मुखिया था लंबरदार था, उसको असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। वही रेवेन्यू इकट्ठा करता था और चाहे तो वो किसानों को रेवेन्यू ना देने पर जमीन से बेदखल भी कर सकता था। तो उससे क्या हुआ कि लंबरदारों की शक्ति में असीमित वृद्धि हो गई और कई बार तो उन्होंने इस शक्ति का दुरुपयोग भी करना स्टार्ट कर दिया। तो ये सबसे बड़ी कमी हमें देखने को मिलती है। और किसानों की जो स्थिति थी वो वैसी की वैसी बनी रही, उसमें किसी प्रकार का कोई वृद्धि या कोई नया चेंज जो सकारात्मक पक्ष लेकर आए वैसा कोई चीज दिखाई नहीं देता था। और किसानों की जो पैदावार थी वो इतनी नहीं ग्रोथ हुई उसमें कि वो दरिद्रता की चंगुल से ऊपर उठ सके। तो टोटल में आकर जो सरकार का जो मकसद था वो था कि अधिक से अधिक रेवेन्यू इकट्ठा करना, क्योंकि रेवेन्यू की जो दर थी वो 50 से लेकर 75% तक तय की गई थी। और इसमें भी क्या था, जो कंपनी कर्मचारी वगैरह थे वो अत्यधिक लगान वसूल करते थे और किसानों की जो स्थिति थी वो पहले से ज्यादा बदतर और हो गई। जहां हम मुगल काल या सल्तनत काल की बात करते हैं तो उस टाइम पर मैक्सिमम जो लगान रेवेन्यू था वो ज्यादा से ज्यादा 50% होता था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के आ जाने के बाद, ब्रिटिश सरकार के आ जाने के बाद जो रेवेन्यू था उसमें ज्यादा ग्रोथ हो गई और किसानों के पास जो अतिरिक्त बचता था अपने खाने के लिए वो भी बहुत कम पड़ने लग गया। तो टोटल मिलाकर जो बात कही जाए तो किसानों की स्थिति में किसी प्रकार का इजाफा नहीं हुआ और किसान जो थे वो दरिद्रता के चंगुल में फंसते चले गए और उनकी स्थिति बदतर से बदतर हो गई। और जब अकाल वगैरह आदि पड़ता था तो किसानों को किस प्रकार की रियायत आदि की उम्मीद सरकार से नहीं रहती थी, क्योंकि सरकार का जो मकसद था वो था इंडिया से जितना हो सके उतना रेवेन्यू इकट्ठा करना और अपनी कंपनी के साम्राज्य को और अपनी कंपनी को समृद्ध बनाना, क्योंकि उनको सैनिक और असैनिक और व्यापारिक क्रियाकलापों के लिए धन की आवश्यकता पड़ती थी। और वो क्या कर रही थी, भारत में कंटिन्यू रियासतों को जीतने के लिए युद्ध भी कर रही थी, तो उसके लिए उनको अत्यधिक रेवेन्यू की नीड थी। और वो अत्यधिक रेवेन्यू उन्होंने भारत के किसानों का खून चूस कर उनकी मेहनत की, मजदूरी की, इनकी कमाइयों को अपनी जो भू राजस्व नीतियां थी जो कि अक्सर जो कि हमने देखा कि वो केवल उनके हित में थी, उससे वो प्राप्त करते थे। तो टोटल मिलाकर बात की जाए तो इससे क्या हुआ, कृषकों में जो कंपनी थी, ब्रिटिश सरकार थी, उसके खिलाफ असंतोष व्याप्त हुआ और इन असंतोष ने कृषक विद्रोह का स्वरूप ग्रहण कर लिया था, जो कि हमें आगे आने वाले समय में काफी मात्रा में एक कृषक विद्रोह जो कि ब्रिटिश सरकार के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहे देखने को मिलते हैं। और यहीं से 1857 की क्रांति में भी कृषकों ने इसी वजह से भाग लिया था, क्योंकि कृषकों की जो स्थिति थी वो ब्रिटिश कंपनी की वजह से खराब हुई थी और उन्होंने जो अपनी स्थिति को अपने असंतोष को जाहिर करने के लिए क्रांति में अपना योगदान दिया था। और सबसे बड़ी बात यह होती कि जो कंपनी थी वो नगद के रूप में लगान इकट्ठा करती थी और नगद के रूप में इकट्ठा करने के चक्कर में जो उनकी फसल होती थी उनका उचित मूल्य उनको नहीं मिल पाता था और लगान न चुकाने के चक्कर में जो किसान थे वो महाजन और जो धनी व्यापारी वर्ग होते थे जो कि ब्याज पर किसानों को ऋण देते थे उनके चंगुल में फंसते चले गए, क्योंकि उनकी ऋण की दर इतनी थी कि किसान के लिए उससे बाहर आना बहुत ही मुश्किल हो जाता, मुश्किल क्या नामुमकिन हो जाता था। तो किसान की जो भूमि थी वो गिरवी रखती जाती थी किसानों के सॉरी महाजनों के पास, और महाजन क्या करते थे वो उस भूमि के पट्टे को दूसरे व्यक्ति को लीज पर दे देते दे थे, जिससे कि उपपट्टे भी बनने स्टार्ट हो गए थे। और इस तरीके से क्या है कि किसान जो है महाजनों के चंगुल में फंसते चले गए। तो टोटल मिलाकर बात की जाए तो परिणाम ये रहा कि ये जो नीति थी ये ईस्ट इंडिया कंपनी के हित में तो थी, लेकिन भारतीय किसानों के हित में किसी प्रकार से भी नहीं रही थी। ठीक है, ये बात थी। देखो कोई और चीजें देख लो, उसके परिणाम और विशेषताओं लिखो रहा हूं।
देखो, लगान की जब दर थी लगान की दर काफी ज्यादा लगान अनुमान के आधार पर तय किया जाता था, यानी कि गांव से कितना लेना है वो सरकार बता देती थी हमको इतना चाहिए। तो यानी किसी प्रकार का कोई नाप जोख भी उन्होंने नहीं करवाई थी लगान निर्धारण के लिए। ठीक है, और क्या हुआ कि पीढ़ी दर पीढ़ी कृषि जोतों का आकार छोटा होता चला गया। जिस वजह से कृषि पैदावार में गिरावट होना शुरू हो गई। इसके कारण था ये प्रभाव पड़ा। कंपनी भू राजस्व नीतियों व्यवस्थाओं के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो जिसका प्रभाव सीधा किसानों पर पड़ा। किसान लगान अदा न करने पर अपनी पैतृक संपत्ति को खो बैठता था। लगान चुकाने के लिए किसान महाजनों पर निर्भर होने लगे। जिस वजह से वे मजबूर
महाजनों के ऋण के चंगुल में फंसते चले गए। ग्राम का मुखिया अत्यधिक शक्तिशाली हो गया। और तो वह कभी कभी अपने अधिकारों का दुरुपयोग भी करने लगा। तो ये बेसिक परिणाम प्रभाव थे जो कि हमने देखे। ठीक है, तो टोटल मिलाकर ये था जो किसानों की स्थिति क्या थी। किसानों की स्थिति खराब होती चली गई। और उनमें सरकार के खिलाफ असंतोष पनपने लगा, जो कि कृषक विद्रोह के रूप में देखने को मिलता है। तो ये परिणाम निकले टोटल मिलाकर इस व्यवस्था के, इस भू राजस्व व्यवस्था के, जो कि ये सारे पॉइंट है। तो आप सबको ये याद रखना है, इसको नोट करना है, और एग्जाम में 5 नंबर या 2 नंबर या बड़ा क्वेश्चन आ सकता है कि भारत की भू राजस्व, ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्थाओं के बारे में अपने विचार लिखिए, या महालवाड़ी व्यवस्था, रेतवाड़ी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त, तीनों को मिलाकर पूछ सकता है बड़ा क्वेश्चन। अगर इनके ऊपर 5 नंबर का पर्टिकुलर क्वेश्चन आ सकता है, रेतवाड़ी, महालवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, 2 नंबर क्वेश्चन आ सकता है इनमें से कि महलवाड़ी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, इसके जनक कौन थे, और ये किसके क्षेत्रों में लागू की गई थी, इसकी विशेषताएं क्या है, इसके प्रभाव क्या है, इसके परिणाम क्या है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ये आपकी जो भू राजस्व व्यवस्था ये कंप्लीट हो चुकी है। हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।